दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पानी पूरी का नाम लेते ही कई सारे लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, और ये सिर्फ पानी पूरी ही क्यों, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम डेली इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जिन चीजों को आप सुरक्षित समझ कर हर रोज इस्तेमाल में लेते हैं उनके साथ क्या होता है, और किस तरह हम आम जनता को धोखा दिया जाता है। आप इस वीडियो को मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो बिना एक भी पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले आप जरा यहाँ नजर डालिए, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि किस तरह ये शख्स अपने बाजू में रोटी को दबाकर पतला कर रहा है और फिर इसे डीप फ्राई कर रहा है, जो बाद में हमारे और आप जैसे लोगों के पेट में जाती है। मतलब कोई इतनी गंदगी से खाना कैसे बना सकता है। इसे देखकर तो हमें थ्री इडियट्स फिल्म का बेलन वाला सीन याद आ गया। अब दोस्तों आप इस नजारे को देखिए, जहां हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां दिखाई दे रही हैं। असल में ये दृश्य चाइना का है, और यहां पर ये एक तरह का केक बनाया जा रहा है जिसे वहां के लोग काफी चाव से खाते हैं। पर अब हमें ये नहीं पता कि मक्खियों के बीच बनने वाले इस केक को कोई कैसे खा सकता है, क्योंकि हम तो इसे देखने के बाद दो दिन तक खाना ही ना खाएं। ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं, आगे आपको इससे भी बड़े बड़े घोटाले दिखेंगे। बस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। और फिर ऐसे शख्स द्वारा अपने पैरों से कुचलकर आटे को तैयार करने का ये तरीका भी काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जिन बड़े बड़े ढाबे और रेस्टोरेंट में आप मजे से रोटियां तोड़ते हैं वहां पर इसी तरह से खाना बनाया जाता है, जिसे देख शायद ही आप कभी बाहर खाना खाएंगे, क्योंकि जो इंसान ये काम कर रहा है वो कितना गंदा है ये आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। और ये तो फिर भी कुछ भी नहीं दोस्तों, अब जरा आप इस शख्स को देखिए जो अपनी सब्जियां गटर में धो रहा है। जी हाँ, गटर में कोई चीज धोने से तो अच्छा है उसे गंदा ही रहने दिया जाए, क्योंकि गटर का पानी किस हद तक गंदा होता है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप ये देखकर सावधान जरूर हो जाइए, क्योंकि आपके साथ भी खिलवाड़ करने में ये धोखेबाज कोई कसर नहीं छोड़ते। और आप ये मत सोचिएगा कि आप घर में खाना बनवाकर खाते हैं तो आप सुरक्षित है, क्योंकि घर पर काम करने वाले लोग भी धोखाधड़ी करने में पीछे नहीं हटते। जैसे कि आप इस महिला को देख लो जो कितने अजीब तरीके से रोटी बना रही है। अब इसे देखने के बाद तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि चाहे बाहर हो या घर पर, आपको हर तरह से सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, वरना लोग इस तरह का खिलवाड़ भी आपके साथ कर सकते हैं। अब गुड़ के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन यहां आप उसी मीठे मीठे गुड़ के बनने का तरीका देखिए, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह अपने गंदे पैरों में पहनी हुई चप्पल के साथ ये लोग उस बर्तन में चढ़े हुए हैं जिसमें गुड़ बनकर तैयार होता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके खाने वाली लगभग हर चीज के साथ मिलावट होती है, फिर चाहे वो देसी लोगों द्वारा खाया जाने वाला गुड़ ही क्यों ना हो। अब सबसे पहले वो लोग सावधान हो जाएं जिन्हें पानी पूरी खाने का बड़ा शौक है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली है जहां चंद रुपयों के लालच में पानी पूरी वाले आपकी जान से खिलवाड़ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जी हाँ, कई सारे लोग ठेले वगैरह पर लाइन लगाकर पानी पूरी खाने पहुंच जाते हैं, और अगर आप भी उनमें से एक है तो ये वीडियो पर ध्यान दे लो कि किस तरह पानी पूरी के पानी में मिलावट का काम किया जा रहा है। यहां पर केमिकल और रंगों का इस्तेमाल करके पानी पूरी के पानी को स्वादिष्ट बनाया जा रहा है, और इस पानी को ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पर कई सारी मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर गोलगप्पे यानी उसकी पूरी पर भी नजर डालिए जिसे तलकर जमीन पर रखा जा रहा था, और जमीन कितनी गंदी है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहां तक कि मटर तक तैयार करने के लिए पीले रंग का प्रयोग किया जा रहा है, और उसके ऊपर मक्खियां बैठी थी। ये तो वही हुआ कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि पहले से ही मिलावट हो रही थी, और उसके ऊपर यहां पर गंदगी भी साफ साफ देखने को मिल रही है। दोस्तों फल और सब्जी हम सभी डेली बेसिस पर खरीदते हैं, क्योंकि उनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, लेकिन हमारी जरूरत को हमारी मजबूरी समझकर उसका फायदा उठाने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप इन सब्जी वाले को देख लीजिए कि किस तरह ये ग्राहक से सही सामान पॉलीथीन में पैक करवा लेते हैं,
लेकिन ऐन मौके पर उसे चकमा देकर पॉलीथिन बदलकर खराब सामान उनके हाथों में थमा देते हैं, जिससे सामने वाले को शक भी नहीं होता और ये लोग अपना खेल खेल जाते हैं। और सिर्फ ऐसा एक जगह नहीं होता, बल्कि कई बार इस तरह की घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है, जो आप अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई फल या सब्जी खरीदने चलो तो पहले बेचने वाले की हरकतों पर ध्यान दे लेना, वरना आप भी इस धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। अब दोस्तों आप इस वीडियो पर नजर डालिए कि किस तरह इसने बर्तन साफ करने वाला चूना डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया और फिर उसी से कढ़ाई को एक दो बार चलाया, जिसके बाद उसका वो गंदा पानी साइड में डालकर बिना कढ़ाई को ढंग से धुले उसी में तेल डाल दिया। और हम आपको बता दें, जो तेल इसने इस्तेमाल किया है वो सेकेंड हैंड तेल है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल वगैरह में डीप फ्राई करने के बाद बच जाता है, और वो लोग हाइजीन के चलते इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तेल काला हो जाता है, और उसी इस्तेमाल किए हुए तेल को ये फास्ट फूड वाले अपने फूड को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह हमारे साथ हर एक रूप में खिलवाड़ हो रहा है। बाकी हम तो इतना कहना चाहेंगे कि जहां कहीं भी आप कुछ खाएं उसके आसपास अच्छी तरह से देख लें और ये जांच करने में आपके द्वारा की खाई गई चीज सुरक्षित है या फिर नहीं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।